हेलो एवरीवन, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। चलिए तो आज के सवाल को देखते हैं। आज का सवाल क्या कहना चाह रहा है? अ बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ऑन स्टिल वाटर। अ बोटमैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर व्हाइल्स्ट कवरिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही रो विद रिस्पेक्ट टू द बैंक इफ द स्पीड ऑफ द वॉटर इज, एंड द फर्स्ट केस इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड केस इज 4 मीटर पर सेकेंड। एज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द वॉटर इज द सेम एवरीवेयर। ऑल राइट, तो चलिए सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल कहना चाह रहा है ना कि जो पहला केस है उसमें ये कह रहा है कि ये जो पानी है वो फ्लो कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर हमारे पास एक इंसान है और वो इस रिवर के एक साइड ऑफ द बैंक पे खड़ा है और इसको ऑपोजिट बैंक पे जाना है। ऑल राइट, लेकिन ये कौन सा रास्ता चुनना चाहता है? एक ऐसा रास्ता जो कि ग्राउंड फ्रेम से अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटा रास्ता कहलाए, है ना? मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो ये उसे अटेन करना चाहता है। तो चलिए सोचते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट रास्ता होगा तो वो कौन सा होगा। मुझे साफ दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो बैंक है ना, ये एक लाइन की तरह मुझे दिख रहा है, और ये जो पॉइंट है ना जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बोटमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बोट प्लस मैन। तो अब आप देखिए यहां पर कि शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा पॉसिबल है। शॉर्टेस्ट रास्ता जो मुझे लग रहा है वो पॉसिबल है ये वाला, है ना? क्योंकि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो मिनिमम दूरी होती है वो कौन सी होती है? परपेंडिकुलर दूरी। तो चलिए सोचते हैं कि क्या ये संभव है कि वो इस रास्ते से जा सके। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अपने को ये दिया हुआ है कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और इंसान की जो वेलोसिटी है ना, वो कितनी दी हुई है अपने को सवाल में, वो दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना? 3 मीटर पर सेकेंड से इंसान खुद जो है बोट चला सकता है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा किया जाए सच दैट कि अगर इंसान मान लीजिए इस टेढ़े रास्ते में जाए, है ना, इस तरीके से टेढ़े रास्ते में जाए, तो ये खुद का एफर्ट लगाएगा 3 मीटर पर सेकेंड का, और लेटर से कि ये एंगल थीटा है, तो उस केस में क्या हो सकता है? अगर पी साइन थीटा एग्जैक्टली 2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अलोंग इस बोट की कोई भी नेट वेलोसिटी नहीं रहेगी। ये 3 मीटर पर सेकेंड कौन सी वेलोसिटी है? ये उस बोट की वेलोसिटी है अगर वो रिवर में नहीं फ्लो करता, अगर वो स्विमिंग पूल में अगर उस बोट को चलने का मौका मिलता तो बोट 3 मीटर पर सेकेंड से जा सकता था, लेकिन चूंकि ये रिवर है तो रिवर भी उसे एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर रिवर राइटवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रही है और इंसान को इस रास्ते में जाना है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस बार, क्योंकि बोट की स्पीड खुद की कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो अपना एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाता है ना, बोट जो है अगर वो इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है सच दैट कि 3 sin theta की वैल्यू कितने के बराबर हो जाए, 2 के बराबर, तो आप देखिए कि एक्स के लॉन्ग कोई वेलोसिटी ही नहीं बच रही है ना। और वही चीज देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 3 का sin theta कॉम्पोनेंट अगर ये 2 हो जाए, और हमें ये भी दिख रहा है कि रिवर की स्पीड कितनी दी हुई है, 2 हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट, और बच क्या जा रहा है, सिर्फ बच रहा है सिर्फ ये जो वाई की डायरेक्शन है ना, वाई की डायरेक्शन है, उसके अलोंग बच रहा है कितना, 3 cos theta, यही तो स्पीड बच रही है। तो अब अगर वो 3 cos theta स्पीड से जाता रहेगा इस डायरेक्शन में, तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो दूरी आएगी ये कैसी आएगी, ये मिनिमम डिस्टेंस वाली रास्ता होगा, है ना? ये जो रास्ता होगा इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर डिस्टेंस मिनिमम है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स एक चीज का आपको ध्यान देना होगा इस बार कि यहां पर साइन थीटा कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली क्या है, लेस देन 1 है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग बोल पा रहे हैं कि ये रास्ता संभव है ना। अपने को यहां पर केयरफुल रहना होगा कि साइन थीटा कहीं 1 से ज्यादा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर साइन थीटा 1 से ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब ऐसा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है सच दैट, मतलब ऐसा कोई एंगल हो ही नहीं सकता है सच दैट कि ड्रिफ्ट, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट, कि वो जाना चाह रहा था यहां, लेकिन अगर कहीं और लैंड करता तो
तो हम लोग कहते हैं कि ड्रिफ्ट हो रहा है इसका ना, ये अपने जिस पॉइंट पर जाना चाह रहा है वहां नहीं जा पा रहा, इट गॉट अ बिट ड्रिफ्टेड अवे। तो हम लोग वही कह रहे हैं कि यहां पर साइन थीटा की वैल्यू लेस देन बना रही थी, इसीलिए देयर वाज अ वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट कि अगर वो इस पर्टिकुलर एंगल पर जाए तो उसकी एक्स कूलॉम की स्पीड एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ कौन सी स्पीड रह जाएगी, वाई कूलॉम। तो ये संभव क्यों हो पाया, क्योंकि उसका जो खुद का एफर्ट है 3 मीटर पर सेकेंड वाला वो ज्यादा था किससे, रिवर की वेलोसिटी से। ऑल राइट, अब देखिए हम लोग आ जाते हैं केस नंबर टू पर, है ना। केस टू में अपने को क्या दिया हुआ है, केस टू में दिया हुआ है कि ये जो पानी का बहाव है ना, वेलोसिटी ऑफ ये जो वाटर है वो कितना दिया हुआ है इस बार, 4 मीटर पर सेकेंड। तो वाटर के इसी वेलोसिटी वेक्टर को मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर रेड वाले वेक्टर से, 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि किसको मिल जाएगा, जो मिल जाएगा उस बोट को, है ना। अब आप देखिए एक चीज तो कंफर्म है कि इस बार ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर इंसान यहां से चलना चालू करे, है ना, अगर वो यहां से चलना चालू कर रहा है यहां से, तो ड्रिफ्ट बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि पिछले बार क्या हो रहा था, ये देखिए पिछले बार ऐसा हो रहा था कि 3 का साइन थीटा कंपोनेंट 2 के बराबर तो हो पा रहा था, लेकिन इस बार 3 का साइन थीटा कंपोनेंट चाहे कोई भी एंगल ले लीजिए वो 4 के बराबर तो नहीं हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए यहां पर एक्स के अलोंग इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आएगी ही आएगी। तो अब आपको मैं वो रीजन दूंगा जिस रीजन से मैंने इस सवाल को क्वेश्चन ऑफ द डे में इंक्लूड किया है। जो देसी तरीका है, जो बेसिक अप्रोच है, जो हर जगह सिखाया जाता है, वो इन्वॉल्व करता है कैलकुलस, है ना। उसमें क्या तरीका होता है, आइए मैं आपको बता देता हूं। उसमें ऐसा बोल दिया जाता है कि चलिए आप मान लीजिए कि ये जो इंसान है वो किसी रैंडम डायरेक्शन, है ना, किसी रैंडम डायरेक्शन पर जा रहा है, सच दैट कि वो ये थीटा एंगल बना रहा है विद द वाई एक्सिस, है ना। तो यहां पर क्या कह देते हैं कि ये 4 मीटर पर सेकेंड है और ये कितना है, ये है 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये तो कंफर्म है कि 3 sin थीटा 4 को कैंसिल आउट नहीं कर सकता है, तो एक्स पॉजिटिव एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी है ना, ये मैंने पॉजिटिव एक्स माना है, तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो हमेशा ज्यादा आएगी किससे, माइनस एक्स से। तो इसका मतलब जो इंसान है वो एग्जैक्टली यहां पर तो लैंड नहीं कर सकता है, कहीं थोड़ा आगे जरूर लैंड करेगा। तो देखिए जैसा कि मैंने पैरेललोग्राम लॉ से बनाने की कोशिश की है, इन दोनों वेलोसिटी का वेक्टर मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये यहां पर लैंड करेगा ना, अगर ये पी पॉइंट पर जाना चाहता था लेकिन गया कहां पर, पी डैश पॉइंट पर। तो बेसिकली इस दूरी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट, है ना। ये जो दूरी है ये डिनोट की जाती है कैपिटल डी से, और कैपिटल डी क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है ना। तो ड्रिफ्ट अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये जो ड्रिफ्ट है बेसिकली हम लोग निकाल सकते हैं अगर चीजों को एक्स और वाई में तोड़ दे। मान लीजिए मैं एक्स की दुनिया बना रहा हूं, एक्स के लॉन्ग इसके पास नेट स्पीड कितनी थी बोट के पास, 4 आगे की तरफ और 3 sin थीटा पीछे की तरफ, मतलब जो नेट वेलोसिटी थी ux कह देता हूं वो कितना हो जाएगा, 4 minus 3 sin थीटा। और y के लॉन्ग है ना, इस डायरेक्शन को मैं y बोल रहा हूं, इस डायरेक्शन को मैं x बोल रहा हूं, तो y के लॉन्ग उसकी नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, 3 का कौन सा कॉम्पोनेंट, cos थीटा कॉम्पोनेंट, तो मैं बोल दे रहा हूं ui बराबर 3 cos थीटा। और मान लेते हैं कि अपने को ये दिया हुआ है कि जो टैंक्स के बीच में दूरी है वो है स्मॉल डी, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कितने देर में ये इस बैंक से ऑपोजिट बैंक पर जाएगा, तो इसको इस बैंक से इस बैंक तक ले जाने के लिए मैं देख रहा हूं कि कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है, वाई की, क्योंकि यहां से यहां जब जा रहा है ना, तो एक्स वाली वेलोसिटी तो इसे सिर्फ आगे ले जा रही है, रास्ता पार कौन करवा रहा है, वाई वाला कॉम्पोनेंट। तो मैं यहां पर बोल दूंगा कि एस वाई बराबर हो गया डी, है ना। तो यहां से मुझे देखिए टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डी अपॉन टाइम अपॉन स्पीड, जो कि है 3 cos थीटा। तो अब मैं इस डेटा का इस्तेमाल करूंगा एक्स की दुनिया में, मुझे दिख रहा है कि टाइम कितना लगा, डी अपॉन 3 cos थीटा। तो अब मैं यहां से क्या बोल दूंगा कि एक्स के अलोंग जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एस एक्स, वो कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, और उसी को मैं क्या नाम दे रहा हूं,
कैपिटल डी विच इज ड्रिफ्ट, है ना। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये ड्रिफ्ट कितना आ रहा है। ड्रिफ्ट आ जा रहा है ux विच इज 4 माइनस 3 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लगा d अपॉन 3 कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो ये आ गया मेरे पास ड्रिफ्ट एज अ फंक्शन ऑफ, ड्रिफ्ट क्या आ गया, फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। तो अब मुझे ड्रिफ्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि मुझे ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट का नाम ओ कह रहा हूं तो ओपी डैश ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट है वो मिनिमम कब होगा, जब ये पी डैश जो है जितना पी के पास हो उतना अच्छा है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल ओ पी पी डैश, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आपको दिख रहा है कि ओपी पे तो आपका कंट्रोल नहीं है तो फिक्स है, लेकिन अगर आप पीपी डैश मतलब ड्रिफ्ट को जितना कम कर देंगे हाइपरटेनस जो है वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहां पर, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, है ना। तो किसी भी चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए वाई आ जाता फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई को मिनिमाइज करने के लिए पहला काम आप क्या करते थे, आप डीवाई बाई डी एक्स बराबर जीरो करते थे। तो उसी तरीके से लेट अस डिफरेंशिएट ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये पहले देख लेते बन क्या रहा है, ये बन रहा है 4t अपॉन 3 sec थीटा माइनस d tan थीटा, है ना। ये बेसिकली ड्रिफ्ट जो है वो इतना बन रहा था, क्लियर है। तो अगर मैं अब इसे डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, तो मैं देख पा रहा हूं कि क्या बन जाएगा, पहला टर्म 4d by 3 तो एज इट इज आ जाएगा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec थीटा का हो जाएगा sec थीटा tan थीटा माइनस d तो एज इट इज रहेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इसको मुझे क्या करना है जीरो, तो यहां से क्या आ गया 4d by 3 sec थीटा tan थीटा बराबर d टाइम्स sec स्क्वायर थीटा, एक sec थीटा कैंसिल आउट हो गया, d से d कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये आ गया अच्छा sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये 1 अपॉन cos थीटा है, तो बेसिकली यहां से क्या आ गया, यहां से एक sin थीटा बच गया, तो मेरे पास sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, है ना। और मुझे याद है कि साइन थीटा नहीं नहीं मुझे नहीं याद है साइन थीटा 3/4 क्या होता है ये मुझे नहीं पता, तो मैं सिंपली थीटा क्या लिख दूंगा साइन इनवर्स 3/4, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये किस एंगल पर ट्रेवल करे, थीटा बराबर अगर रहे साइन इनवर्स 3/4 तो उस समय ड्रिफ्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, और जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा तो ओपी डैश भी क्या होगा, मिनिमम होगा। That means कि मिनिमम डिस्टेंस बोट को ट्रेवल करना पड़ेगा और वो डिस्टेंस कितना होगा ओपी डैश के बराबर। लेकिन इस मेथड में कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व है और ये बहुत ही कॉमन सा मेथड है, हर किसी को पता होता है। मेरे इस सवाल को QOTD में इंक्लूड करने का रीजन ये था ताकि मैं आपको एक नया तरीका बता सकूं जो शायद आपको नहीं पता होगा, है ना। तो यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं कि इंसान शुरू में यहां पर और रिवर की वेलोसिटी, है ना, रिवर की जो वेलोसिटी है वो अपने को कितनी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, और जो इंसान की वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार मैं ट्रायंगल लॉ लगाने वाला हूं, है ना। चलिए यहां पर मैं दिखा देता हूं उस इंसान की वेलोसिटी मान लीजिए कि 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसी मैंने दिखा दी, है ना। अब मुझे यही तो डिसाइड करना है कि इंसान की वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में रखा जाए, क्योंकि इस पर मेरा कोई कमांड नहीं है, पानी तो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। लेकिन मैं क्या चेंज कर सकता हूं, बोट किस दिशा में ट्रेवल करना चाह रहा है उस पर मेरा कंट्रोल है ना। तो अब मुझे यह सोचना है कि मैं इस बोट को किधर ट्रेवल करूं, ऐसे ऐसे इधर 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 कहां ले जाऊं कि ये सबसे कम डिस्टेंस के साथ उधर पहुंच जाए, है ना। तो चलिए सोचते हैं इस बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया है और सर्कल का रेडियस मैंने रखा है 3, क्योंकि जो बोट की वेलोसिटी है ना, जो बोट की स्पीड है वो कितनी हो सकती है 3 हो सकती है। तो अब आप देखिए यहां पर कि मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को कैसे भी घुमा सकता हूं, है ना। मुझे नहीं पता कि इसको कहां पर होना चाहिए, पर मैं ये जरूर देख पा रहा हूं कि मुझे इसे ही सही डायरेक्शन में ले जाना है, सच दैट कि जो नेट वेलोसिटी वो ऐसी डायरेक्शन में आए
सच दैट क्या हो कि इंसान को मिनिमम दूरी ट्रेवल करना हो। अब सोचिए अगर मैं ऐसे स्पीड रख रहा हूँ ना, मान लेते हैं कि मैंने बोट की स्पीड बोला कि भाई बोट तुम कोशिश करो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने की, और रिवर उसको ऐसे ले जाएगा, तो उस केस में आप देखिए क्या होगा। उस केस में ये होगा कि नेट वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में आएगी और वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचेगा, यहां पर कहीं पहुंचेगा ना। फिर आप समझ पा रहे हैं, अगर उसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हुई तो वो ऐसे कहीं पहुंचेगा। इससे और पास कहीं वो पहुंच सकता था क्या? क्या इस लोकेशन से और कहीं पहले वो पहुंच सकता था? आइए सोचते हैं। मुझे एक आइडिया आ रहा है कि अगर मैं इस वेलोसिटी को है ना इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखता इस पर्टिकुलर तरीके से, सच दैट कि अगर मैं यहां से ज्वाइन करवाऊं है ना, यहां से इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट लू, तो ये बिल्कुल टैंजेंशियल हो, है ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल टैंजेंशियल आए। तो ये वाला जो रास्ता है ओ पी डैश, ये जो ओपी डैश रास्ता होगा ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि इंसान यहां से शुरू कर रहा है ओ पॉइंट से, उसको ये रेड वाली वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है विच इज 4 मीटर पर सेकेंड, ये तो मिलनी ही है। अब मुझे इसके हेड पर एक दूसरे वेक्टर का टेल रखना था, जो क्या है इंसान का खुद का एफर्ट है ना, उस मोटर बोट का या उस बोट अकेले खुद का एफर्ट। अगर मैं इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये पी डैश जो है ये कहां पर है, ये सबसे पास आ रहा है ना। ये अगर मैं देखूं तो ये ओपी डैश जो है ये बाकी सारी लेंथ से क्या आ रहा है, सबसे कम आ रहा है। पिछले पार्ट में क्या पॉसिबिलिटी थी? पिछले पार्ट में ये भी पॉसिबिलिटी थी कि वो यहां पर बिल्कुल यहां पर लैंड करे, लेकिन इस बार ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि मिनिमम यहां पर नहीं सही तो कहां पर लैंड कर सकता है? यहां पर तो कर ही सकता है। बाकी किसी भी केस में आप देखिए ये यहां पर से पहले लैंड नहीं कर सकता है। आइए मैं एग्जांपल दिखाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस रेड वाले को यहां खिसका दिया ना, और इधर खिसका दिया, मैंने इसके इधर का एग्जाम्पल लिया, इधर लेफ्ट के तरफ का एग्जाम्पल लेता हूं। तो उस केस में देखिए क्या हो रहा है, उस केस में अगर मैं यहां से कनेक्ट करूं इन दोनों वेक्टर को, यही तो रिजल्टेंट होगा। तो देखिए ये कहां जा रहा है, ये तो ऑब्वियस है कि ये और ज्यादा दूर जा रहा है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, तब होगा जब ये जो वेक्टर है ना, जब ये खुद के एफर्ट का जो वेक्टर है वो कहां पर हो, इस लोकेशन पर हो, सच दैट कि ये पी डैश तक पहुंच पाए। तो क्या होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो बोट इस डायरेक्शन में चलाए और पानी उसे ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में ले जाएगा, सच दैट कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में, जिसके कारण अगर कोई ग्राउंड पर आदमी बैठा हो उसको लगेगा कि ये बोट ऐसे जा रहा है ना। लेकिन बोट हमेशा कोशिश क्या कर रहा है अपने हिसाब से, बोट हमेशा कोशिश कर रहा है कि वो इस डायरेक्शन में जाए ना, जिस डायरेक्शन में नहीं, ये ब्लू वाला वेक्टर दिखा है इस पर्टिकुलर तरीके से, लेकिन ये ऐसे खिसकते खिसकते यहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसकी कोशिश हमेशा किधर होगी, इधर जाने की, इधर जाने की, इधर जाने की, इधर जाने की, इस तरीके से। तो अब हम लोग जवाब तो ऐसे नहीं दे सकते कि उसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमें तो कुछ तो एंगल बताना पड़ेगा ना। तो चलिए सोचते हैं कि ये एंगल को कैसे बताया जाए। जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस करा, इसको टेंजेंशियल होना पड़ेगा इस लाइन को, तो ये सेंटर से ये तो रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ब्लू वाले का मैग्नीट्यूड हमने 3 लिया था और ये 4 हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल को अगर मैं थीटा नहीं इसको फाई कह देता हूं, तो हमें ये दिख रहा है कि साइन ऑफ फाई वो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, राइट। तो ये जो फाई है ना, इसको मैंने फाई कहा है, अगर ये फाई है तो अगर मैं इस पॉइंट से यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं है ना, इस तरीके से जो परपेंडिकुलर टू दिस बैंक, तो ये वाला एंगल भी तो फाई हो जाएगा, सही है। तो हमने पिछले केस में भी तो यही निकाला था, आप देखिए पिछले केस में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि इस इंसान को किस डायरेक्शन में ट्रेवल करने की कोशिश करनी चाहिए, इस वाई एक्सिस से थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/4 पर। और इस बार भी क्या आ रहा है, देखिए इस बार भी यही आ रहा है कि इस इंसान को किस डायरेक्शन में ट्रेवल करने की कोशिश करनी चाहिए, इस वर्टिकल, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस से उसको फाई एंगल बनाना चाहिए, सच दैट फाई बराबर फिर से कितना आ गया, साइन इनवर्स 3/4। तो इसका मतलब जवाब बिल्कुल वही आया और आना भी चाहिए था, लेकिन यहां पर हम लोगों ने एक बड़ा ही मजेदार अप्रोच लगाया
वेक्टर का जिससे हम लोगों को कोई भी कैलकुलस यूज नहीं करना पड़ा। तो आई होप कि आपको ये जो नया मेथड है जिसकी वजह से मैंने इस सवाल को क्वेश्चन ऑफ द डे में इंक्लूड करा है वो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम लोग हर दिन मिला करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।